तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो फॉर योर चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मेरे A3 साइज पे टॉप 5 आर्टवर्क्स जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है एंड मेरे फेवरेट आर्टवर्क्स हैं। तो उनमें से 5 आर्टवर्क्स मैं दिखाने वाला हूं। तो पांचों जो आर्टवर्क्स हैं मेरे फेवरेट आर्टवर्क्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा मैंने उसमें टाइम लगा के उसको बनाया था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में। सो सारे के सारे मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ एंड प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट आपको जितने भी सारे आर्टवर्क्स हैं वो कैसे लगते हैं। तो चलो सो गाइस सबसे पहला जो आर्टवर्क आता है वो आर्टवर्क है ये वाला मिस्टर इंडियन हैकर का पोर्ट्रेट जो कि काफ़ी रियलिस्टिक बनाने का मैंने ट्राई किया था एंड इसके हेयर्स काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाए थे और ये स्किन का टेक्सचर और ये बियर्ड वगैरह सारा चीज़ इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से हो गया था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है इसको देखने से। सो ये है फर्स्ट नंबर पर। उसके बाद आता है ये हॉर्स वाला ड्राइंग, ये कम्प्लीटली मैंने चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करके इसको बनाया था और ये काफ़ी पहले बनाया था और इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये जो है ड्राइंग मेरे काफ़ी ज़्यादा हार्ट के क्लोज है क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला ड्राइंग वीडियो था। सो इस अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर लेना एंड देख लेना। एंड उसके बाद आता है गाइस ये जो ड्राइंग है ये है डॉक्टर स्ट्रेंज का ड्राइंग, ये कम्प्लीटली मैंने ब्लू पेंस जो 5 रुपये के पेन आते हैं मार्केट में उसका यूज़ करके मैंने इसको कम्प्लीटली बनाया था एंड ये कम्प्लीटली स्क्रिबलिंग के फॉर्म में है। एंड इसकी जो खास बात है वो है कि ये मैंने इसको कम्प्लीटली हाथ से नहीं बनाया, इसको मैंने बनाया है पेन को अपने मुँह में रखने के बाद मुँह से कंट्रोल करके फिर जैसे हम हाथ से बनाते हो ठीक उसी तरह से मैंने मुँह से बनाया था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ये टास्क था और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट ड्राॅइंग था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये हो पाया था। सो इसीलिए काफ़ी सेटिस्फाइंग सा रिजल्ट देखने को मिला था, इसीलिए ये जो है ये मेरे हार्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, ये वन ऑफ माई फेवरेट ड्राइंग्स है। एंड गाइस उसके बाद आता है ये वाला आर्टवर्क जो कि एलिफेंट वाला आर्टवर्क है, ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तब और ये कम्प्लीटली ग्रेफाइट का इसमें मैंने यूज़ किया है और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, ये काफ़ी मस्त लगता है, रियलिस्टिक सा एक अलग सा ही लुक आता है, एक अफेक्ट आता है दिखने में जो कि काफ़ी सेटिस्फाई कर देता है और ये आर्टवर्क कभी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सो मेंशन कर मुझे कमेंट में मेंशन करके बताने कि आपको ये वाला आर्टवर्क कैसा लगा। सो गाइस लास्ट ये आर्टवर्क है मेरा टाइगर का ड्राइंग एंड ये आर्टवर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये जो आर्टवर्क है उसमें डार्क हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें डिटेलिंग बहुत अच्छे से हो पाई थी, ये जो इसके वाइट फर्स है इसमें मैंने ब्लैक जेल पेंस का यूज़ किया था एंड ये जो है डार्क एरियाज जितने भी आप देख सकते हैं ये जो डार्क एरियाज है इसमें मैंने चारकोल स्टिक्स का यूज़ किया था एंड ये जो बीच बीच में डार्क एरियाज है उसमें चारकोल पेंसिल्स का यूज़ किया था एंड ये जो है आइज़ में जो ये ब्लू कलर का जो अफेक्ट देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड काफ़ी ज़्यादा मस्त लुक आता है देखने में। सो यही जो है ये सब मेरी सबसे फेवरेट ड्राइंग्स हैं, ये मैंने दिखाया आपको टोटल 5 ड्राइंग्स। सो मेंशन करके बताने कि आपका फेवरेट ड्राइंग कौन सा है। सो गाइस ये थी मेरे फेवरेट टॉप 5 आर्टवर्क्स जो कि A3 साइज पे थी, बड़े साइज पे। सो प्लीज़ मेंशन मी इन द कमेंट कि आपका फेवरेट आर्टवर्क्स कौन सा है, आपको सबसे ज़्यादा आर्टवर्क कौन सा पसंद आया, टाइगर वाला है, एलिफेंट वाला या कौन सा, प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करके बताना। एंड इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग।